Okay, so I think everybody is here, and let's get started, guys. Turn on your video cameras if you can. Let's make the class interactive. So normally that's what I'm trying to do. I think most of you are working. But let's keep the night hours. Okay, we all are done with the family, and then we'll focus back. Second benefit kya hai? The American time zone starts. Or liquidity best milti hai. So if we trade as well, inshallah, in time. तो हमको जो है वो बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे. तो गिव मी थम्स अप और चैट पे लिखना शुरू करो. लेट्स मेक द क्लास इंटरैक्टिव. आप लोग जो है वो वीडियोस ऑन नहीं रखते, जिस वजह से मुझे मोनोटोनिक क्लास लगती है. पर चलो सो देखते हैं क्या चीज़ है. फिर सोयाबीन भी आया, फिर एक और भी आया. दोनों को देखते हैं और कुछ चीज़ें ऐड करते हैं. ठीक है, ऐड क्या करते हैं? पहले बिटकॉइन देखते हैं, बिकॉज दैट्स द 24/7. संडे को भी बंद नहीं होता. और हमने देखा था बिटकॉइन में, मैं थोड़ी सी चीजें ऐड किया हूँ चार्ट पे. थोड़ी सी चीजें ऐड किया हूँ चार्ट पे. लेट्स लेट मी नो इफ यू कैन सी द स्क्रीन. कैन आई हैव थम्स अप? अच्छा, जो भी लिखना है ना वो व्हाट्सएप पे लिखना, बिकॉज मैं जूम चैट मॉनिटर नहीं कर रहा. ठीक है, सो टाइप ऑन व्हाट्सएप चैट अगर कोई क्वेश्चन हो. सबको दिख रहा है? कैन आई हैव थम्स अप? ठीक है, अभी यहाँ से अगर हम मूव करते हैं तो वीकली चार्ट्स हमने देखे थे, एंड वीकली चार्ट्स के बाद वी ऑल्सो के किस तरह से किसी को बोलना है तो आई हैव केप्ट म्यूट ऑल. फिर वो हैंड्स रेस कर देना नीचे, मैं अनम्यूट कर दूंगा. ठीक है, ओके, यू ऑल कैन सी द चार्ट्स. कैन आई हैव? ठीक है, मुझे थम्स अप दो जरा क्विकली. 10-12 लोग हैं, विच मीन इट्स अ गुड टाइम. एक टेम्पो बन गया है, राइट? आई कैन सी दैट. मुझे थम्स अप दो क्विकली इफ यू कैन ऑल सी, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सी कि आप कोई मेक श्योर हो कि कोई ग्लिच नहीं आ रही जूम में. अच्छा, हमने क्या किया था लास्ट टाइम? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जो कि हमने किया, और उसके बाद हमने देखा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, चार्ट नीचे आया, हमने ये सेल लिया था, मैं खुद ट्रेड में मौजूद था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड मनी. यहाँ तक क्लियर है सबको? चार्ट पे लिख के मुझे बताओ. ठीक है, गुड. अच्छा, एक ट्रिक हुई मेरे साथ भी दिस मॉर्निंग. और वो ट्रिक क्या थी कि जब आप एक तो छोटे टाइम फ्रेम पे खेलते हो ना, तो आपके साथ बहुत मैनिपुलेशंस हो जाती हैं. ठीक है, और मैनिपुलेशंस क्या होती है कि जब आप, मुझे नहीं याद, मैंने हटा दिया था वो, लेकिन राइट, ये वाली चीज थी. बहुत बड़ा सेल ऑफ मिला हमें. ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई. ठीक है, हम लोग ट्रेड के अंदर गए, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि, थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम लेता हूँ, तो मैंने आपको बताया था ना, मार्केट मेकर्स वॉच कर रहे होते हैं, राइट? और मार्केट मेकर वहाँ से आपको पकड़ते हैं जहाँ आपको लगता है कि अब मैं विन कर रहा हूँ, राइट? और बहुत सारे लोग 10% से ज़्यादा लॉस लगा लेते हैं ग्रीड में आके कि यार अब तो मेरा सेटअप काम कर रहे हैं, दिस इज़ वर्किंग वेरी वेल. और उसी वक्त जो है वो, जब आप फुल 10%, 20%, 30% का स्टॉप लॉस लगाते हो, या इतना बड़ा लेवरेज लेते हो, जैसे हमने बात की थी कि अगर $100 अकाउंट में है और $10 का स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर 20x लेवरेज कर दिया तो वही 10% 20% बन जाएगा. और फुल लगा दिया, $100 में $10,000 का माल खरीद लिया 100x के लेवरेज में, तो 1% मार्केट गिरी और आपका अकाउंट वाइप ऑफ. और ये $100 हो के $1,000 हो के $1,00,000 हो, राइट? तो आज सुबह मेरे साथ भी एक अकाउंट ब्लो ऑफ हुआ है इसी गलती की वजह से, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये परफेक्ट सेटअप है और मैं एक दो तीन कॉन्फ्लुएंस के बगैर नहीं करता ट्रेड. लेकिन हुआ क्या कि मार्केट छोटे सेटअप पे, अब आप ये सेटअप को यहाँ से यहाँ तक देखो, ठीक है, मार्केट जो थी उसने ब्रेकआउट लिया,
मैं खाली इसको जूम करता हूँ, सही है? ये 15 मिनट पर है, बट अगर ये 5 पे देखोगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन टूट गई थी, ठीक है, और मार्केट ऊपर गई और ईएमए क्रॉस भी हो गया। गलती बता रहा हूँ, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, दूसरों की गलती से सीखना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ट्रेड में घुस जाते हैं, ओवरऑल पिक्चर नहीं देखते। मैंने भी ये गलती करी, राइट? चीज को मालूम होना और चीज को अप्लाई करना सही से दो अलग अलग बात है। यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, सब इस बात से अग्री करते हैं। मैं कोशिश करके, ठीक है, यहां से रिप्ले लगा देता हूं। ब्रेक हो गई ट्रेंड लाइन, यहां से हमें ट्रेड में घुस जाना चाहिए। अब आप लोग देख चुके, तो ऑब्वियसली आप लोग, सब लोग 22 जवाब दोगे। टाइप करो, हाँ, लॉस हो और इंतजार करें फिर हाई हो जाए, या जो लॉस हो गया वो गया, राइट? तो यहां से हमने बात की थी कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, इसको अगर मैं 5 मिनट पे देखता हूँ तो ये बहुत मजेदार ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी, जिसका शायद हम इंतजार करते हैं और हम बोलते हैं ये वो सेटअप है। जैसे अभी किसी ने सोयाबीन का सेटअप दिया, मैं आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर में बताता हूँ, मैंने क्विकली देखा है। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम लॉन्ग चले जाते हैं यार, जबरदस्त। और यहाँ देखो ईएमए भी क्रॉस हो गया, तो दो कॉन्फ्लुएंस मिला, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, दूसरा ईएमए 5 मिनट पे कॉन्फ्लुएंस हुआ। आप बोलते यार यही चीज का तो वेट करा था, यहाँ पे होगा शॉर्ट स्टॉप लॉस और यहाँ पे होगा मेरा प्रॉफिट, ठीक है? कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं, थम्स अप दो या चार्ट पे लिखो, मुझे लिखना जरूरी है आपको, वरना मैं फिर आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा फिर आपको समझ नहीं आ रहा। ऐसा ही है, ठीक है? अब देखो मार्केट मेकर्स ने क्या किया, मैंने क्या गलती करी, जो मैं कल सिखा रहा था मैंने वही गलती की। मैंने बोला यार परफेक्ट सेटअप है, उल्टा एलिगेटर भी बन रहा है। एलिगेटर क्या है, ग्रीन ईएमए के ऊपर रेड ईएमए के ऊपर व्हाइट ईएमए 200। मैंने कहा, और मैंने दो चीजें और देखी, मैं अभी आज सारा ओवरलोड नहीं करूंगा, चार कॉन्फ्लुएंस लिए मैंने, एक कॉन्फर्मेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी। मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है? चैट पे लिखो क्यों हुआ ऐसा, चार कॉन्फर्मेशन के बाद भी एक आदमी गलत हो जाए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने हेजिंग करना शुरू की। मैंने कहा यार जबरदस्त, एक कॉन्फिडेंस मिला, एलिगेटर मिला, मैंने और 20% लगा दिया। मेरा था कि मैं डबल कर दूं आज, राइट? और उसी चक्कर में मैंने पूरी लिक्विडिटी लूज कर दी उस अकाउंट की, क्लोज टू $1,000 तोड़ दिया, बिकॉज गलत किया। एंड आई एम वेरी मच मैड अबाउट माई सेल्फ कि मैंने क्यों साइकोलॉजी से प्ले किया अपनी, ठीक है? ऐसे बहुत बड़े बड़े अकाउंट भी कभी ब्लो किए हैं और उसके बाद एक बहुत डिप्रेशन स्टेट आ जाती है, क्योंकि ये गैम्बलिंग नहीं है, ये फुल एनालिसिस है। बट आपकी एनालिसिस के बावजूद, आपकी एक नहीं चार स्ट्रैटेजीज के बावजूद जब आप लूज करते हो ना, तो आपकी साइकोलॉजी हिट होती है, ठीक है? और आप सोचते हो यार अब क्या स्ट्रेटेजी रह गई है, अब ऐसा क्या रह गया है कि मैं जो है वो एक और चीज ऐड कर लूं तो मेरे लॉसेस कम हो जाए। ये समझ आ रहा है, ये किसको समझ आया मुझे थम्स अप लिख के बताओ, कौन बताएगा ऐसा क्यों हुआ और इसका सोल्यूशन क्या है? अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ, मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, और मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ जो शायद आपको बुक्स में ना मिले, ठीक है? अब आ जाओ लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, ठीक है? इसको हमने समझ लिया, ठीक है? अब इसने, मैंने कहा ना 5 मिनट पे कोशिश करके ना खेलो, क्योंकि तो सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन 5 मिनट पर है, ठीक है? अब आपने देखा ये नीचे तक आया, सबको नजर आ रहा है, ठीक है? ना वो नीचे जाएगा, वो ऊपर तो जाएगा, लेकिन बात है कि आपका अकाउंट ब्लो अप हो गया ना, आपका स्टॉप लॉस ब्लो अप हो गया। तो
मैंने आपको कहा ना, जितना भी आप सही हो, जितना भी सही हो, आपको लगे ना 200% आपका सेटअप है या आप ही का सेटअप है, राइट, तो भी आप 10% के जो 20% कर लेना, 20% से ज्यादा अपनी इक्विटी को नहीं रिस्क पे लगाना। क्योंकि देखो, अगर यहाँ से 20% भी लगाते ना, तो 1.72 है, 20% लगा के 40% प्रॉफिट मिल रहा है, कौन सा बुरा है यार? क्यों 100% लगा के 200% बनाना है, राइट? ये ग्रीड होती है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं। आपने देखा होगा यूट्यूबर्स या ब्रोकर्स या ये अपने आप को कभी भी लॉसेस शो नहीं करता, मैं अपने लॉसेस शो करता हूँ, राइट? बिकॉज इमाम अली सेड के वो इंसान जो अपनी दूसरों की गलतियों से सीखता है वो माहिर हो जाता है, वो एक्सपर्ट हो जाता है, राइट? सो दैट्स द रियलिटी बिहाइंड द लाइफ, कि हम सीखने आए, राइट? हम फेक इट मेक इट नहीं करने आए, ना मैं कोई फीस ले रहा हूँ, आई जस्ट नीड योर प्रेयर्स। अब लॉन्ग टर्म देखो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट उठी है, यहां तक गई है, यहां मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। हमने एक बात कल सीखी थी कि स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट में हम कोशिश करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए। यहां तक मार्केट आई तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका था या नहीं, कौन बताएगा? टाइप करो, ध्यान से सुनना। मार्केट 1 आवर पे देख रहे हैं, यहां से यहां तक आई, हमारे हिसाब से ट्रेंड टूटा, हम बाय में घुस गए, उसने वापस स्विच किया मार्केट में करने, लिक्विडिटी ग्रैब की और हमारा पूरा स्टॉप लॉस तोड़ दिया। और देखो यहीं तक आया, क्योंकि उसको पता था कि ट्रेडर मैक्सिमम, कोई ट्रेडर यहां तक स्टॉप लेता, कोई यहां तक लेता, ये मैं 1 आवर बता रहा हूँ, इससे नीचे किसी में दम नहीं था, 20% 30% स्टॉप लॉस, करेक्ट है? मार्केट यहां तक आई, फिर खींचने के बाद बड़ी कैंडल बनी, अब ऊपर गई, राइट? कैसे हुआ? ये ट्रेंड जो हमने बनाया था बड़े उसपे, तो एक बात कंफर्म होगी कि 5 मिनट को, 15 मिनट को, कोशिश करके 15 मिनट ट्रेड करो, बट कोशिश करके व्हेन यू डू द ट्रेडिंग 5 मिनट की भी, तो बड़े टाइम फ्रेम को देखना मत भूल। अब देखो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था, बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रैगन कैंडल बन चुकी थी, राइट? अगर मैं ये देख चुका होता तो मैं कभी भी बाय ऑर्डर में नहीं जाता, मैं सेल ऑर्डर में जाता। समझ आ रही है? कितने लोग मेरे साथ है, रेज योर हैंड्स। किसी को कोई सवाल है, कोई पूछना चाहेगा, रेज योर हैंड, मैं अनम्यूट करता हूँ, ठीक है? लेकिन बोलोगे नहीं तो मैं सेशन खत्म कर दूंगा, दैट्स माय थिंग। मैं टाइम लगा रहा हूँ इस वक्त अपना आप लोगों को सिखाने के लिए, अगर मुझे इंटरेक्शन नहीं मिलता है, अगर सामने से लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो मैं फिर एक दो सेशन के बाद ही कहानी खत्म कर लूंगा। आप लोग चाहते हो सेशन हो तो टाइप करो चैट में, मुझे देखना है कि कितने लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है? रेज करोगे हैंड तो मैं अनम्यूट कर लूंगा आपको, इसमें रेज करने का तरीका आपको पता है, नीचे यू कैन रेज द हैंड, राइट? ओके, हाँ नूर, क्विक क्विक करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नूर जल्दी से पॉइंट शेयर करो, अनम्यूट करो। ठीक है, अच्छा इमरान सिंह, फरीद भाई, सेटअप बिल्कुल आपने सही कहा कि 1 आवर के अंदर जब हम बिगर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो आपको ये डॉजी कैंडल मिली तो हो सकता है आप इस ट्रेड को नहीं लेते। मगर हमेशा जो टाइम फ्रेम ड्राइव करता है वो छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को ड्राइव करता है। अब चूंकि हम वैसे जो आपकी स्ट्रेटेजी थी वो बड़े, या तो हम इसको क्लियर कर दें यहाँ पे कि हम बड़े टाइम फ्रेम को देखकर छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लें, पहली चीज। अगर हम सेटअप ही छोटे टाइम फ्रेम में बना रहे हैं देख के और फिर हम बड़े टाइम को बाद में देखेंगे तो वो हमारे लिए कंफ्यूजन रहेगा। तो हमें एक ठीक रूल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारी प्रैक्टिस ही होनी चाहिए कि हम पहले डेली को देखें, उसके बाद फिर हम 4 आवर्स को देखें और उसी ट्रेंड के अंदर विद द सेम डायरेक्शन हम ट्रेड लें। क्योंकि गुड, ठीक है, उसको वापस से आता हूँ मैं। पहली क्लास में बिल्कुल यही किया था, मैं तो वीकली से किया था, डेली से भी नहीं किया था, राइट? तो वो लोग जो पहली क्लास मिस कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवर्ट बैक करो। गलती क्यों बता रहा हूँ, मुझे तो ये चीज पता है ना, आई टॉट यू, बट जल्दबाजी में
जस्ट बिकॉज मुझे लगा सेटअप अच्छा है, मैंने दो तीन चार कॉन्फ्रेंस लिए, बड़ा सेटअप नहीं देखा। देखो ये चीज रिवर्स होती है, छोटा टाइम फ्रेम बड़े को बनाता है, और बड़ा टाइम फ्रेम का कोई ऐसा केपीआई जैसे ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स, एमएसीडी, स्टोकास्टिक, उसमें जाएंगे आगे जाके। लेकिन मैं कहते हैं ना एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं डालना चाहता, बहुत ज्यादा भी सीखने से ना आदमी का माइंड सुन हो जाता है, वो एक्शन ही नहीं रह सकता, राइट। तो एक बात याद रखना, छोटे टाइम फ्रेम पे खेलते हो ना, 15 मिनट से छोटा नहीं खेलना, ठीक है, 5 मिनट खेलना है। तो कोशिश करके सेटअप में हिट करने से पहले एटलीस्ट 1 घंटे पे जाके देख लेना कि हो क्या रहा है, ठीक हो गई बात? इज एवरीवन क्लियर, यस और नो? टाइप करो इस पे, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं। ओके ठीक है, थैंक यू नूर। सो हमने ये बात अग्री की जो फर्स्ट क्लास से थी कि हम लोग हमेशा जब भी ट्रेड में जाएंगे हम डेली 4 आवरली 1 आवरली देखेंगे, डेली के हिसाब से बाउंस बैक मिला है, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली ये ऊपर जाएगी कुछ टाइम, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज नई सिखाने जा रहा हूँ, कुछ लोगों को ये पता है, कुछ को इसको सही से यूज करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, और ठीक है यहाँ हमने सेटअप बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, मैक्सिमम स्पॉट्स मिलने चाहिए मुझे, ठीक है, 1 2 3 4, 1 आवर पे 4 की ट्रेंड लाइन टूटी ना तो बहुत स्ट्रांग बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं फिब्रोनाची डालता हूँ, ये फिब्रोनाची एक साइंटिस्ट था जो कहता था कि यार दुनिया में हर चीज एक रेशियो प्रोपोर्शन से चलती है, और उस रेशियो प्रोपोर्शन में जब आप करोगे आपकी सेटिंग्स अलग होगी, बट कोशिश करके जो ट्रेंड लाइन का लो होता है ना उससे ट्रेंड लाइन का हाई बनाते हैं, ठीक है। अब तो आपको मैं एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, यहाँ से हम एंटर हो रहे थे 15 मिनट पे जाते हैं या 5 मिनट पे जाते हैं, ठीक है। अब मैं ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, क्लियर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से बाय में जाने वाले थे, ठीक है, और यहीं से मार्केट फॉल की, राइट। अगर हम बाय में जा रहे थे यहाँ से, समझो हमने 12 आवर 1 आवर कैंडल नहीं देखी, एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म अगर हम देख लेते ना, ट्रेंड लाइन जो बनी हुई थी जो ब्रेक हो रही थी, हमको देखना था कि रिट्रेसमेंट कौन से लेवल पर है, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है विच इज 100%, तीन चार लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई 382 लेता है, कोई 434 लेता है, उसके अलग अलग है, मैं थोड़ा 382 के नीचे तक आता हूँ, 434, बिकॉज फिजिक्स का एक लॉ ये कहता है, कितने लोगों ने वो क्या कहते हैं आई डोंट नो, जिसको जिससे आप एली बनाते हो और फायर करते हो, राइट, उसमें अगर आप स्टोन लेके पीछे खींचते हो तो जितना जोर से खींचोगे उतनी आगे ज्यादा बाउंस बैक होगी, ये बात सबको क्लियर है, समझ आ रही है, ठीक है, क्या कहते हैं यार उसको, टॉय को मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अगर तो एक ट्रेंड को ऊपर जाना है और सपोर्ट तोड़ना है तो उसको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा ताकि वो पत्थर आगे तक जाए या पेबल आगे तक जाए, राइट। अब अगर वो नीचे ही 434 के लेवल तक भी नहीं आया तो वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा, वो टकरा के वापस आएगा, ठीक है। और यहां से टकरा के वो वापस आया, ठीक है। अब अगर वो 434 के लेवल तक आता ना तो वो बूम करके चला जाता, वो 434 के लेवल से पहले ही चले गया, ये मे बी 38.2 का लेवल होगा, ठीक है, यस, गलूर गलूर और गुलेल या जो भी कहते हो आप, राइट, दो तीन लोगों ने मुझे लिखा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। तो इधर हमारी दूसरी कंडीशन बन गई, देखो डबल बॉटम बन गया, कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं, ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा सेटअप टूटा, ऊपर यहाँ पे हमारा प्रॉफिट था, ठीक है, यहाँ भी अगर हम लगाते हैं तो भी
मार्केट मेकर ने प्रॉफिट लेने नहीं दिया, ठीक है, और आपका स्टॉप तोड़ दिया, लेकिन मार्केट मेकर ने आपको दूसरा ट्रेड दिया कि ठीक है, लेकिन हम ट्रेड में जब रह सकते थे जब हमने इक्विटी का 10% या 20% लगाया होता, अगर हमारी इक्विटी टूट गई तो खत्म हो गई बात, राइट। तो फिर जब आपको नया सेटअप मिलता है आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाते हो कि यार ये क्या हुआ, ठीक है पेशेंस खो दिया मैंने। अब यहाँ पे आपका परफेक्ट सेटअप है, ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये परफेक्ट सेटअप परफेक्ट है कि नहीं है। मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर 434 से बाउंस करेगा ना तो परफेक्ट है आपके लिए, एक पांचवा कॉन्फ्लुएंस या कॉन्फर्मेशन है। अगर 618 से करता है तो ये गोल्डन जोन है, देखो इस लाइन को गोल्डन बनाया हुआ है मैंने, राइट, तो इसको ग्रीन बनाया हुआ है, इसका मतलब है गुड टू हैव, इसका मतलब है एक्सेलेंट टू हैव। तो ये अगर 60 तक आता है ना तो ये 80 तक बहुत तेजी से चले जाता रॉकेट की तरह, बट अगर ये 434 पे आया तो हो सकता है 70-72 तक जाके वापस डाउन टर्न ले, ठीक है, क्योंकि हर चीज मैंने बताई ना ऊपर जाके नीचे आके ऊपर जाएगी वापस नीचे आएगी, हमें बिग पिक्चर में वो स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स पकड़ने, इंक्रीमेंट्स पकड़ने, ये बात सबको क्लियर है, मुझे चैट पे लिख के बताओ क्विक क्विक क्विक। पड़ोसी कितने लोग लाइव है, दो चार लोग ही लिख रहे हैं, बाकी लोग भी मेरे साथ हैं, ठीक है। अब हमने देखा, और यहाँ पे अगर डबल टॉप के बाद अगर हम बना देते ना तो बाप देखो कितना जबरदस्त सेटअप मिलता हमें, हमारा डबल बॉटम हो गया, ठीक है। अब हमारी ट्रेंड लाइन कौन सी थी टूटने वाली, ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी टूट गई जो कि यहाँ पे थी, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट, अब रेजिस्टेंस बन गई, अब इसने इसको टक्कर मारी और ये नीचे आ गया, राइट, तो दूसरा कॉन्फ्लुएंस पक्का हो गया। एक क्या था, ट्रेंड लाइन टूटी, लिखो मेरे साथ, फर्स्ट स्टेप इज ट्रेंड लाइन टूटना, सेकंड स्टेप इज ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का रेजिस्टेंस बन जाना या रेजिस्टेंस का सपोर्ट बन जाना, राइट, गेम का सिक्का पलट गया, कॉइन हेड टेल बन गया, टेल हेड बन गया, ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट सबको कॉन्फर्मेशन दो या थम्स अप करो, ठीक है, थम्स अप करना आता है जूम पे किसी को, ठीक है, हम लोग बहुत करते हैं, हम लोग डिफरेंट मीटअप्स करते हैं यूएस के, नॉर्थ अमेरिका के, उस पर हम यही करते हैं यार, आप लोग वीडियोज ऑन नहीं कर रहे, रात का टाइम है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट पुशिंग यू। लेकिन अच्छा यहाँ से दो चीजें होंगी, सो फर्स्ट सेटअप हमने देखा, मैं लिख रहा हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेक, ठीक है, रूल नंबर 1 फॉलो हो गया, रूल नंबर 2 था सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, ठीक है, दो रूल्स हो गए। तीसरा रूल है ईएमए क्लाउड, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ईएमए क्लाउड है, मैं नॉर्मली 18x34 यूज करता हूँ, ठीक है, और मैं 200 भी लगा देता हूँ देखने के लिए कि क्योंकि 200 के नीचे कोई चीज आ गई ना उसका मतलब है वो सेल मोड में चले गए, बड़े टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में तो रोज 200 के नीचे जाएगी, लेकिन अगर 1 आवर में चली गई इसका मतलब है कोई मसला है। तो आप देखो बार बार बिटकॉइन बुलिश मोड में ना 200 से नीचे भी आता है तो बाउंस करता है, और देखो जितना नीचे आएगा ना वही गुलेल वाला स्टाइल है, राइट, ऊपर उतना उछलेगा, ठीक है, ये 200 से ऊपर आया, बहुत सारे लोगों का यहाँ प्रॉफिट लगा दे, देखो इस दफा डॉच कर दिया कस्टमर को, राइट, वापस से 200 आया, थोड़ा और नीचे तक आया, वापस 200 आया, अब इतना ऊपर गया ना नीचे तक आएगा, लेकिन जिस पॉइंट पे, तो इसको एलिगेटर कहते हैं, एलिगेटर क्या होता है, क्रोकोडाइल, इसका मुंह बन गया है, राइट, 18 EMA by 34 EMA by 200, ये तीसरा साइन है, अगर ये बन गया यानी तीसरा रूल आपका है कि 3 दफा आपने अपने सेटअप को कंफर्म किया, ठीक है। अच्छा रूल नंबर 4 जो मैं ऐड कर रहा हूँ, गुड टू हैव है मगर कम से कम 0343 तक फिब्रोनासी में नीचे गया हो, क्योंकि ऊपर देखो नहीं गया था ना तो ट्रेंड ऊपर तक भी नहीं गया, आपका प्रॉफिट टारगेट भी नहीं हुआ, थक गया नीचे आ गया, लेकिन अगर यहां से गया ना डबल बॉटम बन गए तो अब ये ऊपर तोड़ के निकल गया, राइट, तो या तो 43.4 को टच करे एक दफा फिर जाए, अगर टच नहीं कर रहा हवा में बाउंस कर रहा है
इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन घुसा हुआ है बाय में, राइट? अच्छा, इंस्टीट्यूशन का आईसीटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इंस्टीट्यूशन बाय करता है ना, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाइंग करता है, आपकी मेरी तरह छोटी बाइंग नहीं कर सकता। तो वो उसने एक ऑर्डर लगाया समझो 10 मिलियन डॉलर का, बाय हुआ सेल हुआ, बाय हुआ सेल हुआ, बाय हुआ सेल, रिटेलर से लेगा ना, रिटेलर को थोड़े पैसे ज्यादा देगा बिकॉज इंस्टीट्यूशन को पता है ये मुझे अब आगे ले जाना, तो वापस सेल करके मार्केट को नीचे लाएगा क्योंकि इंस्टीट्यूशन को सस्ता खरीदना है, महंगा नहीं खरीदना है, ठीक है? तो डबल बॉटम बनाएगा। डबल बॉटम में एक चीज होती है, उसको लिख लो, ठीक है? इस पे बात करते हैं हम, क्या है? नूर इज रेजिंग द हैंड। जी नूर, नो हैंड रेस किया था आपने या हो गया आंसर? ठीक है, टाइप करो मुझे अगर आप, यू इफ यू वांट मी टू अनम्यूट यू। ओके, डबल बॉटम हुआ। अब यहां पे आपने लगा दिया लॉन्ग, और अगर ईएमए क्रॉस का वेट करते बहुत अच्छा था। यहां देखो पॉजिटिव हो गया क्रॉस, अब आप यहां तक खींच लो और इसको आप डबल बॉटम के थोड़ा सा नीचे ले लो, या आपको स्टिल 1.5 का सेटअप मिल गया, यानी 1 रुपये लगा के 1.5 रुपये मिल गए। ओके, लेट्स पॉज फॉर अ मिनट, कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ तक तो? जी नूर, गो इट, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ नाउ। जी, आवाज आ रही सर? जी, आ रही। अच्छा, एक और चीज, फिर रिप्लेसमेंट को जब हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसमें एक और चीज बताई सर, जब तक आपका ट्रेंड 30.38 0.38 से ऊपर ऊपर है और वहीं पे सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब ट्रेंड आपका अभी तक वीक नहीं हुआ, वो पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है। जैसे ही 0.38 को वो तोड़ेगा और नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा फर्दर 0.4 या 0.68 की तरफ, इसका मतलब ये है कि वहां से अभी भी ट्रेंड के चांसेस हैं कि फर्दर डीप डाउन जा सकता है वो। मगर जैसे कि इस सेटअप के अंदर अगर हम देखें तो इसने अपने जो की लेवल है पॉइंट इनिशियल लेवल, उसको ब्रेक नहीं किया था। एक और इसके अंदर ये था कि उससे ऊपर टच करके देखें, इसने विक बनाई नीचे और ये वापस वहां से रिट्रेस कर गया। अगर इसके अंदर आप 0.38 एग्जैक्टली प्लॉट करेंगे तो शायद अब मजीद इस चीज को क्लियर हो जाएगा। मैंने कर लिया प्लॉट, लेकिन ये उससे भी ऊपर से बाउंस किया है, बाउंस तो राइट? ये भी एक इंडिकेशन होता है कि जब तक कोई भी ट्रेंड अपने पावर में है लॉन्ग उसमें 4 आवर्स में या उसके अंदर, और वो या तो छोटे सेटअप के अंदर भी हम उसको देखें, अगर वो 0.38 से पहले पहले रिट्रेस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में है, वो ट्रेंड वीक नहीं हुआ। चलो मैं एक और चीज इसमें ऐड करता हूँ। गुड गुड पॉइंट हो, व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। ओके, थोड़ा सा डाइवर्जेंस समझाते हैं, ठीक है? सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? अच्छा, डाइवर्जेंस क्या होती है? आपकी प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है? आपका प्राइस है, आपने एक इंडिकेटर लिया आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कि ट्रेंड का स्ट्रेंथ क्या है। कुछ लोग टीएसआई लेते हैं, कुछ लोग आरएसआई लेते हैं, ठीक है? ज्यादा दुनिया आरएसआई को मानती है, और एक होता है मैकडी, ठीक है? वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर है, ठीक है? मैं इन दो को आपको, जो आरएसआई बताता है कि ये ट्रेंड है कितना जोर है, तो कभी जब मैनिपुलेशन को कैसे पकड़ना है ये बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने कहा ना, 4 कॉन्फ्लुएंस के बाद भी आज हिट हुआ क्योंकि 5वां कॉन्फ्लुएंस सेट आया, तो कभी कभार आप खाली, अभी एक मेरे साथ और ट्रेडर है, सुबह मेरी बात हो रही थी और वो मुझे अपना हिस्ट्री बताया, बट उसने 5 मिनट लिया एंटर हो गया, 5 मिनट लिया एंटर हो गया, 5 मिनट लिया एंटर हो गया,
फाइनली उसको लॉस हुआ एंड ही लॉस्ट एवरीथिंग राइट। उसने बोला, मैं उसको बोल रहा था कि, और मेरे साथ भी यही हुआ, तो आप कभी कभार जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, या तो जब आपको कम पता होता है तो आप उस वक्त भी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते, बहुत ज्यादा पता होता है तो भी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते, कम पता है तो भी। तो अपने आप को थोड़ा हम्बल रखना जरूरी है राइट, क्योंकि जब हम्बल नहीं होते ना तो मार पड़ती है राइट, और ये मार ऐसी पड़ती है कि आपकी जेब से पैसे निकल जाते हैं। तो उसमें लर्निंग बेस्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ डेमो ट्रेडिंग में सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि इमोशन कंट्रोल नहीं आएगा राइट। आपका पैसा लगा भी नहीं, तो इसलिए भले $10 से खेलो, लेकिन खेलो छोटे से खेलो ठीक है। अच्छा, अब समझो प्राइस आपकी ऊपर जा रही है, लेकिन आपकी RSI नीचे आ रही है ठीक है, तो आपको समझ आएगा यार कुछ मसला है, ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है मगर ये ट्रेंड नीचे आ रहा है, देख रहे हो? इसको आप कहोगे डाइवर्जेंस ठीक है। ये होती है रेगुलर डाइवर्जेंस, एक हिडन भी होती है बट उसमें मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, हम लोग इसको बहुत सिंपल रखेंगे ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आता है कि ट्रेंड ऊपर जाते जाते डबल टॉप बना लेता है, एम या डब्ल्यू बना लेता है, ये अक्सर वो पॉइंट होता है बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे पे तो रोज बनता है ये, 1 आवर को कहते हैं एटलीस्ट बड़ा टाइम फ्रेम, जहां इंस्टीट्यूशन बाय या सेल कर रहा होता है ठीक है। आपको यहां पे नहीं घुसना है, क्योंकि मोस्ट लाइकली आप घुसे और इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा और ऊपर ले गया, आपका स्टॉप लॉस टूटा और आया नीचे ही, मगर आपकी लिक्विडिटी तोड़ दी राइट। तो आपको कहाँ घुसना है, आपको घुसना है जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाए, और हमने बात की थी ना कि वो सपोर्ट जो था, सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस बन गई, अब घुसना है, अब घुस जाओ ठीक है। और इधर आपने फिब्रोनाची लेवल ले लिया समझो 43.4, ठीक है, दूसरा है 61.8। तो ऐसा नहीं होता कि 43.4 पे ट्रेंड है तो बुलिश है, कभी कभार ट्रेंड 7, 8, 6 तक भी जाता है, बिकॉज ये सारा इंस्टीट्यूशन का गेम होता है, कितने इंस्टीट्यूशन इन हैं, कितनी बड़ी बाइंग होगी, कभी कभार 7, 8, 6 तक जाके स्पीड से बाउंस करेगा ठीक है। एक दफा हम ट्रेड कर रहे थे SP 500, वो डायरेक्ट जंप खा के डायरेक्ट 434 तक गया, और 434 से डायरेक्ट ऊपर जाके ट्रिपल टॉप बना के वापस नीचे आया राइट। तो उसको आप ऑर्डर ब्लॉक पे देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, जो पेड सॉफ्टवेयर हैं जैसे 2500 $3000 के एक्सेस है ट्रेंड स्पाइडर्स के, या थिंक और स्विम में अगर आप पेड फ्यूचर्स का वो लेते हो जिसका रोज का एक्सेस ही $150 का है, एक जमाने में वो भी लिया था हमने, तो आपको पता चलता है एग्जैक्टली कि ऑर्डर ब्लॉक का वैल्यू क्या था। जिस वक्त बाइंग $10 मिलियन की हो रही है, $15 मिलियन की हो रही है, सेलिंग $11 मिलियन की हो रही है, तो आप देख सकते हो। तो कभी कभार, तो इसलिए फिब्रोनाची जो है ना मैथमेटिशियन ने बनाया, बट इसको क्योंकि दोनों तरफ लोग हैं ना, बायर्स भी हैं और सेलर्स भी है ठीक है, लेकिन हमें कहा तो ये समझ आ गया, हमको डाइवर्जेंस ढूंढना है कि प्राइस, तो इस वक्त अगर डबल बॉटम या डबल टॉप है तो RSI भी नीचे जा रही होगी समझे। तो हमको पता चल गया, अच्छा प्राइस ऊपर जा रही है बट इधर प्राइस ने गैप लिया, लेकिन RSI नीचे जा रही है और सुग मैग्डी भी नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो हमें पता चल गया फोर्थ और फिफ्थ कॉन्फर्मेशन कि भाई डाइवर्जेंस भी मिल रही है ठीक है। तो ये हमने पांचवा पॉइंट क्या ऐड किया, हमने पांचवा पॉइंट ये ऐड किया ए, रूल नंबर 6, फाइंड डाइवर्जेंस ऑन RSI या MACD ठीक है। यहां तक क्लियर है, मैंने बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश की है, किसी को अब मैं यहाँ पे RSI खोल देता हूं, ये RSI है ये TSI है, तो TSI और MACD देखना ऑलमोस्ट एक ही तरह से बिहेव करती है ठीक है, जो
एक दो हमारे दोस्त है वो TSI के बड़े फैन है, वो TSI यूज करता है, ठीक है, लेकिन हर एक का अपना स्टाइल है। तो RSI देखो डबल बॉटम ये था, ठीक है, इसमें RSI क्या था, बराबर था, नहीं नीचे जा रहा था, ठीक है, तो समझ आया कि यार प्राइस सेम है बट RSI नीचे जा रहा है, यानी डाइवर्जेंस दे रहा है। और मैग्डी क्या बोल रहा है, मैग्डी ऊपर जा रहा है, तो आपको समझ आ गया मैनिपुलेशन ऑन है, क्योंकि जब मैनिपुलेशन ऑन होती है ना तो इंडिकेटर्स कहते हैं ना चकरा जाते हैं, राइट, तो इंडिकेटर्स चकरा गए और सुपर कंप्यूटर्स ने बाय और सेल इतनी तेजी से किया कि जो मैथ्स की लॉजिक थी वो टूट गई। और जब आपकी मैथ्स की लॉजिक टूट गई आपको समझ आ गया इंस्टीट्यूशन घुस रहा है, और जब इंस्टीट्यूशन घुस रहा होता है ना तो कहते हैं ना कि पास वाले की हांडी पक रही है और आपने अपनी छोटी सी बाल्टी रख दी तो आपका भी खाना पक ही जाता है, यू नो। तो इंस्टीट्यूशन के साथ जब घुसोगे ना लेकिन राइट डायरेक्शन में तो पैसे बनेंगे बनेंगे। फिर देखो कितने जल्दी झटके से पैसे बने, यहां से खट 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 यहां तक आया ही नहीं, हवा में ही बाउंस किया और उसका सीधा इसको तो छोड़ो ऊपर तक ले गया। कैसे बने, समझ आया, आर यू ऑल विद मी, चार्ट पे लिखो, ठीक है। तो आज हमने जो बात की वो हमने लग रहा सर, हमने एक सर क्वेश्चन, अगर लॉस हुआ तो हाई होने का इंतजार करें या नहीं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसको अटेम्प्ट करता हूँ, तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ स्नैपशॉट लेके भेज देता हूँ ग्रुप पे, आपको 6 कॉन्फर्मेशन कौन सी लेनी है वो आप देख लो। जब भी अब आप नेक्स्ट टाइम कुछ करोगे ना तो आपको इस चार्ट को सामने रख लेना है कि भाई ये मेरी बाइबल है, अगर आपको मजा आ रहा है तो, राइट, कितने लोगों को मजा आ रहा है बाकी, गिव मी सम कमेंट्स ऑन इट। 6 लेवल ऑफ कॉन्फर्मेशन सिखाई आज मैंने आपको, ये समझ लो पूरा निचोड़ है अभी तक का, जितना मैंने बड़ी बड़ी पेड मास्टरमाइंड गोल्ड ग्रुप से भी सीखा है ना, ये उसका निचोड़ है, ठीक है। इसको अप्लाई करो। अब मसला है कि एक नॉलेज दे दिए ना तो वो नॉलेज बहुत काम किया, ठीक है, मगर उस सेटअप का वेट करना भी, देखो मेरे एक इंडियन दोस्त है वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के चैंपियन है, वो मुझे कहता है कि शेयर बाजार जो होता है ना उसका नाम इंग्लिश में भी शेयर बाजार है, इट्स कॉल्ड लायन मार्केट। तो लायन जब हंट करता है ना तो वेट बहुत करता है, फौरन से नहीं भागता है, हर डियर हर बकरी के पीछे नहीं भागता है, पहले सेटअप बनने का वेट करता है, देखता है कि मैं कितना थका हुआ हूँ, मैं कितना दूर तक शिकार के पीछे दौड़ना चाहता हूँ, शिकार कब कमजोर पड़ रहा है, राइट, कब कॉन्फिडेंस हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है। तो इधर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, हमने क्या प्रोबेबिलिटी लिया, ट्रेंड लाइन लिया 1, हमने देखा ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई है, अभी तक यहाँ से बाउंस हो रहा था अभी यहाँ से टकरा के आ रहा है, 2 हो गया। तीसरा EMA क्लाउड, एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम हो, 1 आवर हो तो बेस्ट है, बट 15 से कोशिश करके नीचे नहीं जाओ, मैनिपुलेशन से बच जाओ, ओके, पैसे जाया होने से बच जाएंगे। 18/34 ले लिया, फिब्रोनाशी खींचा, फिब्रोनाशी अगर 434.8 तक है बहुत अच्छा है, अगर 434 से ऊपर है जैसे नूर ने ऐड किया, हो सकता है ये हो सकता है नहीं हो, क्योंकि मैंने ये टेस्ट जो किया है अभी तक जितने इंस्ट्रूमेंट्स से मैंने देखा है कि जितना नीचे स्ट्रेच जाएगा, फिजिक्स का लॉ है, मैथमेटिशियन का लॉ है, उतना ऊपर जाएगा। तो क्योंकि ये 434 या 382 तक भी नहीं है, ये 382 भी मैंने डाल दिया, उससे भी ऊपर है, इसका मतलब है कि ये ठीक है, लेकिन वो एक एडिशनल लेवल है, अगर इसको हम
434 का वेट नहीं भी करते, लेकिन डबल बॉटम का वेट जरूर करना है या डबल टॉप का वेट जरूर करना है। ठीक है, तो इसमें मैं रूल नंबर 5 ऐड करता हूँ, डबल बॉटम इफ बाय और डबल टॉप इफ सेल। ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपको मिलती है एक्सेलरेटेड डाइवर्जेंस, ये एक्सेलरेशन आप देख रहे हो कि पैडल पे किसी ने डायरेक्ट से 100 की स्पीड पे पैर रख दिया, राइट। अगर ये एक्सेलरेटेड नहीं होती ना, ऊपर नीचे होती डाइवर्जेंस, ये थोड़ा सा ऊपर होता नीचे होता, तो इतना पुश नहीं होता, पैडल पे प्रेशर नहीं होता। ठीक है, और इसके बाद आपने डाइवर्जेंस RSI में भी ढूंढ लिया कि यार मैनिपुलेशन है, मैं चेक करूं, तो आपने बोला मैंने चेक कर लिया, RSI नीचे जा रही है, मैं जा रहा है, प्राइस सेम लेवल, डेयरियों को इंस्टीट्यूशन बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है रिटेलर्स को, और आपने EMA क्रॉस होते ही लॉन्ग पकड़ा। और अगर आप इस पे समझो 1:2 का रेशियो भी ले लेते हैं ना, तो भी शायद पूरा हो जाता था। ये देखो 2.66 का रेशो मिला, टेक्निकली 3 का भी मिल गया, 3 का रेशो मिला आपको, कितना ब्यूटीफुल है, राइट। 3 का रेशो मिलने का मतलब है 10 रुपये गवाए ना, तो 30 रुपये बना लिए, राइट। मजा आया, कितने लोग मेरे साथ हैं यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं। आज की बहुत एडवांस क्लास थी, और कोशिश करके इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और क्विकली नूर को अनम्यूट करते हैं, और इसके बाद एक चीज और देखते हैं और मूव करते हैं आगे। यस नूर, अच्छा सर, ये थोड़ा सा जो है ना EMA क्लाउड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मतलब ये सिर्फ तीन हमने EMA लगा दिए हैं, इसके ऊपर मूविंग एवरेजेस लगा दिए हैं, डेट सेट, यही EMA क्लाउड। बिल्कुल बिल्कुल। EMA क्लाउड का मतलब होता है कि तीनों EMA सिंक में आ गए, टाइगर का मुंह या क्रोकोडाइल का मुंह, या तो खुल गया या तो बंद हो गया। तो ये खुलने का मुंह तो हमने देख लिया कि ये राइट, ग्रीन ओवर रेड ओवर व्हाइट हो गया। अगर मैं बंद बिल्कुल होने की एग्जांपल दूं, पीछे जाके देखते हैं, तो उस वक्त आप देखोगे कि ये देखो ये बंद हो रहा है। तो जब भी सही। बंद होगा एक्सेलरेटेड डाउनफॉल होगा। मतलब एक चीज आप ये भी कर सकते हो कि आप एज अ लायन हंट कर रहे हो ना, तो आप उसको क्रोकोडाइल के मुंह खोलने का भी वेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुंह खुल गया, तीनों सिंक में आ गए, इसको कहते हैं EMA क्लाउड बन गया। क्लाउड का मतलब क्या है, बादल बन गए, एक के नीचे दूसरे के नीचे तीन आसमान बन गए, राइट, दैट्स कॉल्ड EMA क्लाउड। सो गुड गुड, नूर इज एक्टिव, नूर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। और कोई है जो कुछ बोलना चाहता है? एंड द फीमेल्स आउट हियर, रौनक, आई थिंक यास्मीन, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हो ना, टू बी ऑनेस्ट। देखो हर एक की पर्सनल लाइफ है, मैं खुद भी बिजी रहता हूँ, बट कोशिश करके क्लास में बात करो। और बहुत सारे लोग वही सवाल कर रहे होते हो, दैट मेक्स मी इरिटेटेड। इसका मतलब है कि आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे, आप लोग क्लासेस नहीं देख रहे, बिकॉज ये स्किल वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्किल्स इन द वर्ल्ड है। जो लोग इसको जानते हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसको इतना लाइटली मत लो। अगर ये आ गया ना, तो रिमोट जॉब्स तो भूल जाओ, घर बैठ के पैसे बनाओगे इंशाल्लाह। बट जो सिखाने का काम था वो अलहमदुल्ला मैंने सिखा दिया ऊपर वाले की मदद से। पॉलिश आपको खुद को करना है, और सबसे ज्यादा जो पॉलिश करने में आपको काम आएगा ना, वो कंट्रोल ओवर द ग्रीड आएगा। कि आपको देखो 5-6 सेटअप्स इधर हुए हमारे, इतना बड़ा सेटअप कहाँ मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप घुस गए ना, और आपको यहाँ तक पैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं, कोशिश करके 10% से ज्यादा पैसे मत लगाना भाई, या 20%, बहुत ज्यादा जिगर है तो। अगर 100% लगाए ना, क्योंकि बहुत खुजली आएगी ना हाथ में कि यार यहाँ पे भी एक बाय ऑर्डर ले लूँ, इधर भी ले लूँ, इधर भी ले लूँ, इधर भी ले लूँ। देखो मैंने लास्ट आपको बताया था, आपको नहीं पता शेर भी कभी गलती करते हैं, और सामने क्रोकोडाइल या कोबरा स्नेक आ जाता है, या कोई बहुत बड़ा एलिफेंट आ जाता है, तो जो कि शेर को उठा के पीछे फेंक देता है, राइट। सो हम्बल अगर होके चलते हैं ना, स्पेशली ट्रेडिंग में, तो आसानी रहती है। ओवर कॉन्फिडेंस होता ना हमें, क्योंकि नॉलेज आया ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो आपको अपने आप को ट्रिम डाउन करते रहना है। सो दैट्स अबाउट इट। मोहम्मद फिजान, कुछ बोलना है? अनम्यूट करो अपने आप को। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर
सर मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, मगर ये कि मज़ा तो आ रहा है, मगर ये जो क्लाउड का जो आपने अभी बताया ना कि ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, तो ये सेल बाय हम किस में करेंगे वो आप बताएंगे? तो अच्छा, ये थोड़ी सी क्लास 1 और 2 देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको ना बेसिक लॉ सिखा रहा हूँ, मैथ्स के लॉ सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए। चाहे बिटकॉइन हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कोई भी चीज हो, चलो गोल्ड लेके देखते हैं। ठीक है, अब गोल्ड में क्या सेटअप बन रहा था, तोलार पे जाते हैं, कोशिश करना है कि ट्रेंड लाइन बनानी है। ठीक देखो नूर जो कह रहा है ना, हो सकता है ये बिल्कुल सही बात हो। देखो मैं खुद लर्न कर रहा हूँ, और मैंने कहा ना कि आप लोगों में से कोई भी कुछ भी सिखा सकता है। आप जो स्टूडेंट्स हो बिल्कुल नाइव, हो सकता है कल वो हमें कुछ चीज सिखा जाए, राइट? सो नूर तो माशाल्लाह खुद काफी अपने ऊपर मेहनत करता है ट्रेडिंग पे। मैं उससे पर्सनली मिला पाकिस्तान में लास्ट 2 हफ्ते पहले। देखो ये ट्रेंड लाइन है, ये फिबोनाची 434 है, अगर 38.2 करता हूँ तो भी है, तो यहाँ भी वही सेटअप बन रहा है, डबल टॉप का दिख रहा है आपको, बिटकॉइन वाली चीज ही बन रही है यहाँ पे। ठीक है, और ये 4 आवर है, तो मोस्ट लाइकली अगर आप 1 आवर देखोगे ना, तो यहाँ EMA क्लाउड शायद बन चुका हो, या 15 मिनट में तो बन ही चुका होगा। लेकिन यहाँ एक रिस्की फैक्टर और दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, और 4 घंटे की ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, आसान बात नहीं है। और 4 घंटे की ट्रेंड लाइन अगर सेट करें तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना है, ठीक है। अब ये बहुत मुश्किल हो गया है सेटअप समझना कि ये नीचे जाएगा, क्योंकि देखो यहां से अगर आपने नीचे लाने की कोशिश की, मार्केट टकराई, नीचे आई, और किससे नीचे आई, ड्रैगन कैंडल बन गई, इतनी बड़ी ड्रैगन कैंडल, मगर मार्केट मेकर ने फिर ऊपर फेंका, हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैब हो, यहां से वापस नीचे। तो अब अगर यहां से नीचे आती है ना, और अगर शॉर्ट लेते हैं, तो शॉर्ट ऐसा कुछ बनेगा, देखो EMA क्रॉस हो गया, रेड ऊपर आ गया, 34 ऊपर आ गया, हम ट्रेंड लाइन के ऊपर लेंगे, कोशिश करके ये ले लो तो बहुत अच्छा है, मगर इसमें 1.11% का लॉस है। 10 गुना का मतलब है, 10 गुना का लॉस हो जाएगा 10x के मार्जिन पे, और नीचे तक ले आओ 434 तक, तो फिर भी 1.79 का बहुत बड़ी बात है यार। 100 रुपये लगाते हो, 10 रुपये टूटते हैं तो 20 रुपये बन जाएंगे, राइट? अगर शॉर्ट पोजीशन आती है, क्योंकि देखो यहाँ से टकराया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई है। अब वही अपने 6 रूल्स ले आओ, ठीक है, क्या रूल्स थे, खोलते हैं हम जरा। ये रूल्स थे, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, मैं रूल्स पेस्ट भी कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, कितने लोग कहते हैं ब्रेक हुई है, लिखो यस, लिखो उस पर रूल नंबर 1 कंफर्म लिखो, मुझे पता चले कितने लोग जाग रहे हैं, मुझे पता चले कितने लोग अटेंटिव हैं। चन्नू और इमरान 2 लोग तो हैं, फीमेल्स, रहमान, गुड, 4 लोग जाग रहे हैं, रौनक, जहांगीर, गुड। अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया है, यस लिखो, ठीक है, 2 कॉन्फर्मेशन हो गई। EMA क्लाउड क्या कह रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रौनक पूछ रही कैसे, यहां तक जहां से मार्केट बाउंस कर रही थी, बाउंस कर रही थी, अब जब ये नीचे गया तो यहां से टकरा रही है, नीचे आ रहा है, यानी जो आपकी जमीन थी वो आपका आसमान बन गया, राइट? अब आप नीचे टकरे मार के बाउंस कर रहे थे, अब ऊपर टक्कर मार के नीचे आ रहे, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस बन गया, राइट? डाउन ट्रेंड एट 4 o'clock, ठीक है, गुड। क्या मतलब हुआ इसका भाई, नूर जरा समझाओ, 4 o'clock क्या एक्सप्लेन करोगे इसको, 4 तो इधर बचते हैं यू करके, हाँ सर जहां तक मुझे नजर आ रहा है, जो EMA, लेट्स सपोज अगर हम इस पूरे चार्ट को एक क्लॉक कंसीडर कर लें, तो जैसे आपने बताया कि
अगर ईएमए का मुंह खुलता है तो वो 1 o'clock की तरफ फेस होता है उसका, या 12 o'clock की तरफ होता है, अगर स्ट्रांग स्ट्रांग ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है। इसी तरीके अच्छा से जब वो 4 बजे की तरफ होगा तो वो डाउन ट्रेंड के अंदर, हम उसको कंसिडर करते हैं कि उसका फेस नीचे की तरफ है, अब ये नीचे की लेकिन देखो तरफ जा रहा सारे है। ईएमआई 4 o'clock पे खुलते हैं ना, देखो ये भी जब क्लोज हुआ तो नीचे ही आएगा, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन हमेशा एंगल यही बनेगा ना, 45 का एंगल बिल्कुल बनेगा डाउन साइड, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक तो है, ये भी मतलब अब अभी उसी सारे ट्रेंड के अंदर उसी उसी तरफ जो है वो ईएमए जो मैं देख रहा हूँ क्रॉसओवर जनरेट करने के बाद उसी उसी ट्रेंड की तरफ फॉलो कर रहा है, मगर नीचे 200 की सपोर्ट है, तो इसने एक बार सपोर्ट को टच किया, सपोर्ट से फिर वापस ऊपर फेंका मार्केट को, मतलब सपोर्ट को बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है। अब जब तक ये रिस्पेक्ट कर सपोर्ट दिया। को रिस्पेक्ट करेगा तो हमें शॉर्ट नहीं करना है इसके अंदर, और इसको वेट करना है। जैसे ही ये सपोर्ट को तोड़ता है या एक आध कंफर्मेशन कैंडल बनाएगा तो उसके बाद फिर हम शॉर्ट में एंटर होंगे। गुड, और मैं आपको 2 कॉन्फ्रेंस और बताता हूँ। वापस से हमारी बाइबल पर आ जाओ, हमारी बाइबल जो हमने की, और हो सकता है हम इसको इम्प्रूव करें और भी चीजें डालें। आज फिलहाल ये 6 चीजें 6 साल की मेहनत से डाली है अल्हम्दुलिल्ला। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ये हो गया। ईएमए क्लाउड 34/18 हो गया है, बट 200 नहीं हुआ है, मतलब ऊपर 200, नीचे 34, उसके नीचे 18, वो नहीं हुआ है, 34/18 हुआ है। तो जैसे नूर ने बिल्कुल सही कहा कि अगर यहाँ से कैंडल नीचे आती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता 200 सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर 34 हो जाएगा, फिर 18, वो एलिगेटर का मुंह नीचे खुल गया, अब वो फोर्सफुली नीचे जाएगी, राइट? उस वक्त हम शॉर्ट में घुस जाएंगे, हो सकता है वो पोजीशन हमें यहाँ मिल जाए, राइट? लेकिन फिर वो 434 तक नहीं आएगा, फिर वो 618 तक चला जाएगा, समझ रहे हो बात को, राइट? तो आपका मार्जिन 2.35 मिल गया, राइट? तो हम वेट कर रहे हैं। अच्छा, चौथा हमने ये देख लिया कि ये फिब्रोनाची के ऊपर ही है, राइट? तो जैसे नूर ने ऐड किया, बहुत अच्छी बात है कि उसको हम देखते भी जाते हैं, राइट? हर एक की एडिशंस लेते हैं, और आप लोग भी कल को कोई चीज ऐड करनी है तो प्लीज फील फ्री। हम इस बाइबल को और स्ट्रांग बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह जब हम एज ए ग्रुप इतने सॉलिड हो जाएंगे ना, तो हम सब इंस्ट्रूमेंट्स बांट लेंगे और हम अपने अपने सेटअप ढूंढ के एक दूसरे की हेल्प करेंगे, क्योंकि एक आदमी 100 इंस्ट्रूमेंट्स पे काम नहीं कर सकता, मैक्सिमम 5 पे करना चाहिए, अच्छे ट्रेडर्स ये कहते हैं, ताकि आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल में रहे। तो कल को नूर भेज रहा है, कल को रौनक भेज रही है, कल को यास्मीन भेज रही है, कल को इमरान भेज रहा है, फिर आप मतलब एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन बन गया हमारा, राइट? कि हम 100 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिलके एक दूसरे को पैसे बनाने में मदद कर रहे हैं। फिर उससे अच्छा काम करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, फैमिली को सपोर्ट करो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं। और मेरा शुरू करने का मकसद ये था कि इसमें बहुत सारे हमारे अफगानी, तजिकी, पाकिस्तानी भाई हैं जो कि सीरिया के लोग हैं, वे ट्राइंग टू एंटर जो वॉर जोन्स में, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, उनको ये चीज सिखाएं। तो इनशाला आप लोगों में से जो मेंटोर्स लॉबी बनेगी, जैसे एक एपी आ रहा है, एक नूर आ रहा है, यू नो, इस तरह के लोग मुझे चाहिए, जिसका जिसको शायद हम एक बहुत बड़ा पेड इन्वेस्टमेंट ग्रुप बना देंगे आगे जाके। फिर हम छोटे छोटे जो हमारे अच्छे ट्रेडर्स निकलते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट भी देंगे, और जो बड़े आ जाते हैं हम मिलकर ट्रेडिंग करेंगे, मेरे भी दिस कुड बी लाइक अ फॉरेक्स ब्रोकरेज हो सकता है आगे जाके हम खोल लें, राइट? तो इंशाल्लाह देखो सोशली शुरू किया है, मकसद लोगों की मदद करना। तो आप लोगों में से जितने लोग सोशल हार्ट रखते हो, वो मुझे पहले तो अपने आप को सेट कर लो, यू नो, गेट योर सेल्फ इन टू द एक्सपर्ट लेवल। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार मैं किसी को क्यों हेल्प करूं, मैं खुद ही पैसे बना लें, तो खुद बनाओ, ठीक है, दैट्स ओके, आपका भला हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चौथी चीज एक आ गई, पांचवी चीज एक्सलरेटेड डाइवर्जेंस, ये देख रहे हो डबल बॉटम भी बना दिया, तो हम दो दफा दो जगहों पे फंस गए, मार्केट मेकर ने कंफ्यूज कर दिया, राइट? अब ये ज्यादा नॉलेज आपको हेल्प भी कर रहा है, वरना शायद आप शॉर्ट ले चुके होते हैं, और हो सकता है ये ऊपर चला जाए कल तक। यहाँ पे डबल बॉटम आ गया, अब आ जाओ RSI देखते हैं लास्ट वाला, कि डाइवर्जेंस मिल रहा है क्या? तो अगर ये डबल बॉटम बिल्कुल सॉलिड है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, उस केस में नीचे था, ठीक है, तो क्या वो कहोगे डबल बॉटम ही लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, RSI देखते हैं, इसी के नीचे का RSI देखना है। तो ये ले लिया और RSI स्ट्रेट आ रहा है,
मैकडी बता रहा है कि प्राइस ऊपर जाते हुए बताया गया है, RSI कंफ्यूज हो गया है, मैकडी भी ऊपर जा रहा है, यानी मैनिपुलेशन हो रही है, मे बी इंस्टीट्यूशन एंटर हो रहा है। अब इंस्टीट्यूशन कहाँ एंटर हो रहा है, सेल में एंटर हो रहा है, बाय में एंटर हो रहा है, अपने को नहीं पता। एट दिस पॉइंट वी विल स्टिक एंड वॉच लाइक लायन, शेर बाजार है, यू नो इट्स कॉल्ड बी एन इंग्लिश लायन, यू नो नॉट द उर्दू लायन राइट नाउ। तो हम यहाँ पे वॉच करते हैं, अगर हम शॉर्ट में गए तो हम इस तरह से उतरेंगे, अगर हम लॉन्ग में गए तो शायद फिर लॉन्ग में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा हमारा, क्योंकि फिर अगर हम यंग लेते हैं, समझो ये अगर आता है तो हमारा शायद डबल टॉप के नीचे, तो हम फिर 1:2 का रेशो या 1:3 का भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक एक्टिव मार्केट जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा, सोयाबीन को देख लेते हैं एक दफा, और सोयाबीन मैंने प्लॉट करने की कोशिश की थी, अगर ये आप डाइवर्जेंस लेते हो तो ये 434 पे टकरा चुका है, ठीक है, और EMA 34/18 है, अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, हो सकता है नीचे तक उतर जाए, देखना पड़ेगा हिस्ट्री क्या कहती है। तो हिस्ट्री ये कहती है कि वो ज़्यादातर 434 से जंप करता है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, एक और हिस्ट्री चेक करते हैं। अच्छा, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी हिस्ट्री भी होती है, ठीक है, कि वो ज़्यादातर कौन से लेवल से जंप करना पसंद करता है। जैसे आप बिटकॉइन को देखोगे ना, तो वो ज़्यादातर 61 का शौकीन है, वो 61 तक जाता है, इसलिए बिटकॉइन में मूवमेंट भी ज़्यादा है, जितना नीचे आएगा उतना ऊपर जाएगा। तो अगर ये नीचे आ गया है और अगर ये डबल बॉटम बनाता है इधर, तो ये शायद ऊपर निकल जाएगा, लेकिन अगर ये डबल बॉटम नहीं बनाता, ये 61 तक आता है या नीचे आता है, तो इसका मतलब फिर ये नीचे आ जाएगा। तो इस पोजीशन में या तो अगर हम यहाँ होते ना और ये टक्कर मार के वापस नीचे आ रहे, तो हम यहाँ तक का ट्रेड ले लेते, लेकिन अब ये यहाँ पे आ गया है, तो अब कंफ्यूजन स्टेट हो गई, क्योंकि 200 भी इसको बाउंस करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अगर 200 बाउंस करता है तो ऊपर ले जाएगा, अगर ड्रॉप करता है तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस हेल्प्स यू, हमारा सेशन बड़ा हो गया बट वी लर्न अ लॉट, मजा आया आप लोगों को, ठीक है, स्लीप वेल, इंशाल्लाह सी यू टुमारो, और अब इसी चीज को प्रैक्टिस करो, और एज अ ग्रुप, एज अ फैमिली, एक दूसरे को हेल्प करो, जो भी सेटअप निकलता है उसको प्रॉपर प्लॉट करो 6 चीजों में, और बताओ कि 5 में से 4 चीजें हैं, 3 में से 6 चीजें हैं, या 6 में से 6 रूल फॉलो हो रहा है, और कोशिश करके 15 मिनट से नीचे मत खेलना, ताकि विन रेट बढ़े, क्योंकि विन रेट बढ़ाना बहुत जरूरी है। एंड जस्ट रिमेम्बर इन प्रेयर्स, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।